उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन तय कार्यक्रम के अनुसार अतिथि गृह एनेक्सी पंत नगर परिसर में पौधारोपण कर चेस फॉर इंडिया कार्यक्रम में प्रतिभाग किया व साइकिल चलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तदुपरांत पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पंत नगर से स्वागत रथ पर सवार होकर नगला में स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने कनकपुर में शहीद अमरदेव बहादुर स्मृति द्वार का लोकार्पण किया व राजकीय इंटर कॉलेज कनकपुर का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद के पिता शेर बहादुर माता लक्ष्मी देवी को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आज गृहजन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृहजन पे कैसा महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में? अपनी आईडी आनी चाहिए। ये मेरी कर्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है जी जी। और यहाँ के एक बच्चे से लेकर एक हमारे बुजुर्ग तक व्यक्तिगत रूप से मैं सबको जानता हूँ और सभी लोग मुझे जानते हैं। निश्चित रूप से मेरे से भी ज़्यादा मेरे क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात है कि मेरे जैसे सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को मेरी पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। ये मेरे लिए एक चुनौती भी है और चुनौती मेरे साथ साथ मेरे क्षेत्र और मेरे इस आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी है, क्योंकि अब जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का लोगों का स्नेह, उनका आशीर्वाद, प्रेम पहले तो मुझे मिलता ही था, लेकिन मुख्य सेवक के रूप में मैं कल से जिले में हूँ। जिस प्रकार से उनका उत्साह देखकर, उनका प्रेम देखकर मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हम गुरु दरबार में आए, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, वाहेगुरु हमारे ऊपर अपनी मेहर करें, अपनी कृपा करें कि हम उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं। सर, नानक माता एक धार्मिक नगरी और उसके लिहाज से यहाँ पर्यटन स्थल भी है, तो इसको लेकर नानक माता साहब के बारे में मैंने अभी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी से बात करी है। नानक माता साहब हमारा हेमकुंड साहब, हमारा रीठा साहब, हमारा पूनागिरी धाम, इसके आसपास हमारा ऋषिकेश हमारी जो धर्म नगरी है, और ऐसे बहुत सारे, चाहे वो जागेश्वर धाम हो, चाहे हमारा गंगोली हाट का हाट कालिका का स्थान हो, या मुंशहरी धारतुला ओली, इन सब क्षेत्रों को हमने कहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड को 2027 तक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करेंगे और उत्तराखंड का नाम हिंदुस्तान के पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख प्रदेशों के रूप में आगे आए। सर, सितारगढ़ में सिडकुल और सिडकुल के साथ ही फेज टू की स्थापना भी हुई है। मैं यहाँ पर जो हमारा नौकायन होना है, हमारे यहाँ पर नानक माता साहब में जो बहुत सारी जो अभी यहाँ पर नई योजनाएं हमको चलानी है, हम हॉलीड्रोम से लेकर दिल्ली और देहरादून और देश के अन्य कोनों से हम इसको सीधे जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर पूर्ण सौंदर्यीकरण करने की घोषणा करूँगा। सर, बाजपुर भूमि कटरण में कुछ कहेंगे? बाजपुर वाला भूमि, हाँ, बाजपुर वाली भूमि के बारे में हमने मुख्य सचिव को हमने उनको निर्देश दिए, जिलाधिकारी को भी निर्देश दिए हैं, जल्द से जल्द जो 20 गांवों का प्रकरण आया है उस पर जो है वो कार्रवाई कर उसका निस्तारण बहुत जल्दी करेंगे। सर, एक आप संधू को लाया है, सुखजीत हमारे नए चीफ सेक्रेटरी है, आपने देखा होगा उन्होंने एनएचएआई में बहुत काम किया है, इसलिए हम लोग उनको विशेष नियुक्ति पर यहाँ पर लेकर आए हैं, वो सारे कामों को करेंगे। और यहाँ के किसानों से पहले यहाँ के डीएम भी रहे हैं, उनकी बहुत सारी जमीन खाली है, फेस उसके बारे में भी बात करेंगे। हम अभी बहुत सारी चीजें करेंगे, आपको समय समय पर बताते रहेंगे।